So, ladies and gentlemen, welcome back to another YouTube video. So guys, जो आज का जो वीडियो है वो है how to do vlog. अरे कहना क्या चाहते हो? किस किस चीज़ों से vlog करते हैं और किस तरीके से किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें, कौन से डिवाइसेस बेस्ट है आपके व्लॉग के लिए, यानी व्लॉग या जितने भी शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट टर्म वीडियोस जो भी हैं. व्लॉग वैसे तो लंबा हो जाता है, लेकिन जितने भी शॉर्ट शॉर्ट्स होते हैं उसके लिए कौन सी बेस्ट है. तो मेरी जर्नी के थ्रू अब स्टार्ट मैंने कैसे किया वो आपके साथ शेयर करूँगा. तो सबसे पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने तो लाइक MI का रेडमी 4i करके फ़ोन था, ये दिस वन, ये इससे मैं व्लॉग और इससे व्लॉग शूट करता था. और ये कुछ 4GB 2 रैम रोम शायद मे बी 2GB ऐसे कुछ रैम था और स्टोरेज का 32GB था. तो ये स्टोरेज और उसके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा लो डिवाइस थी, क्योंकि इतना ज़्यादा ये प्रेशर ले नहीं सकता था और इतना हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा बहुत कर लेता था. तो भी इसको मैं इतना लायक, मैंने इतना कैपेबल इसको बना दिया था मैंने कि इसके अंदर मैं पबजी का गेम, मतलब पबजी जो बैटल ग्राउंड BGMI जो होता वो इसमें इंस्टॉल करके खेलता था. और ये बिल्कुल ही सांस ले पाता था, मतलब इसकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी, फट भी सकता था, लेकिन कभी आज तक फटा नहीं. बहुत ज़्यादा इसने मेरा हेल्प किया, लेकिन अभी ये पूरा ही ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसका मदरबोर्ड पूरा एंड हो चुका है. तो ये यूज़लेस है, लाइक सीरियसली इट्स यूज़लेस, यू नो. क्या बात? नहीं, फेंका है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. यूज़फुल तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेमोरीज़ के लिए काम करेगा, इसलिए मैं इसको हमेशा साथ में रखता हूँ. और ये वैसे तो मेरा डेड का फ़ोन है, नो वे, तो मैं इसको यूज़ करता था. और ये अब ऐसे ही मैं इसको खेलने के लिए यूज़ करता हूँ. और उसके बाद मैंने 6S लिया था फ़ोन, आईफोन, जो वो मैंने मेरी खुद की स्कॉलरशिप आई थी, यानी कि मैं स्पोर्ट्स में गया था तो मेरी खुद की स्कॉलरशिप आई थी उसके पे, उससे मैंने परचेज़ किया था. और वो आपने वीडियो में देखा होगा. और वैसे तो ये, फिर उसके बाद मैंने ये दूसरा वाला, ये वो वाला है लेकिन वो भी अंदर पड़ा हुआ है. और ये 7 उसके बाद मैंने परचेज़ किया था, 7, ये भी मैंने मेरे खुद के पैसे से ही परचेज़ किया था. रही माइक्स की बात, क्योंकि अगर आपके पास माइक माइक्रोफोन अगर अच्छा नहीं है तो आप आपकी वॉइस इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी, और क्लियर अगर सुनाई नहीं देगी तो सबसे ज़्यादा ब्लॉगर के लिए प्रॉब्लम है. सो अगर मैं प्रेफर करूँगा रॉड के माइक, रॉड के जो माइक्रोफोन आते हैं, यानी कि जो ज़्यादा बड़े आते हैं वो 2-3 मीटर के वो वाले नहीं, बड़े वाले तो लाइक बड़े वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे, क्योंकि वो कुछ 25-30,000 के एक माइक बेस्ट भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं. और अगर विद इन सस्ते चाहिए, यानी कि चीप प्लस अफोर्डेबल चाहिए, तो वो फिर छोटे रोड के आते हैं, वो कुछ पड़ जाते हैं 2-3,000 के कुछ, मैंने ऑनलाइन देखे थे अमेज़ोन पे, तो वो आप, मैं प्रेफर करूँगा. नहीं तो और भी आते हैं सस्ते, वो लाइक वो आते हैं अच्छे, लेकिन वो बिल्कुल छोटे वाले आते हैं, तो जैसे अपन सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो वो भी अंदर इस तरीके सुने देता है, लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा सांस ले रहे वो भी इतना वो नहीं, लेकिन स्मूथर, जितने ज़्यादा स्मूथनेस और साउंड में जितने ज़्यादा क्लियरेंस आएगी वो ज़्यादा इतना अच्छा होगा. तो माइक्रोफोन और कैमरे में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है इसमें माइक्रोफोन तो वैसे, क्योंकि जो बैकग्राउंड का पत्ते भी हिल रहे हैं वो एकदम ऑटोमेटिकली इसमें डिटेक्ट कर लेता है और बहुत ज़्यादा क्लियर साउंड आता है. तो ये तो वैसे बेस्ट है, कोई इशू नहीं इसका, लेकिन इसके साथ अगर रोड का माइक हो तो वो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड साउंड पूरी कट ऑफ कर देता है और बहुत ज़्यादा तगड़ा वीडियो बनता है. सो मेन बेसिक चीज़ें यही थी. और तो आप ईयरफोन्स भी यूज़ कर सकते हो, और ईयरफोन्स और लाइटिंग का ये है कि फर्स्ट टाइम तो आप रिंग लाइट यूज़ कर सकते हो, रिंग लाइट अगर तो GoPro इतना, हाँ अभी कैमरे पे थे अपन, तो कैमरे की इतनी वाइड लेंथ नहीं होती और इतना ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है, यानी कि मैं जितना ज़्यादा लाइक सबसे बेस्ट मैंने जो ब्लॉग देखता हूँ मैं, एक तो मो ब्लॉग्स हो गया और ब्रांड
के व्लॉग्स हो गए, तो उस उनके तो वो तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ब्लॉगर हैं, तो उनके लाइक उनकी फ्रेम इतनी प्यारी होती है कि उनका कैमरा, वैसे तो 5D 3D 2D इतने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कैमराज होते हैं, सो उनकी क्योंकि उनकी फ्रेम इतनी ज़्यादा होती है कि वो लाइक इतना पकड़ते हैं तो पूरा बैक वाइडर लेंथ इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरा बैकग्राउंड अच्छे से बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है, तो इसलिए वो शायद तक मे बी बेस्ट अभी आता है कैनन के और सोनू के अल्फा के जो कैमराज हैं वो बेस्ट हैं व्लॉगिंग के लिए, जो वो कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो आप मैं प्रेफर करूँगा कि आईफोन ले लीजिए, आईफोन 13 14, ये आईफोन का प्रमोशन नहीं है लेकिन आईफोन हर चीज़ में बेस्ट है, इसीलिए आईफोन इज़ बेस्ट इज़ आईफोन, रिस्क ले सकते हो वगैरह वगैरह वगैरह। गोप्रो इज़ बेस्ट और उसकी वाइड लेंथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और लेकिन ये जैसे कि कैमरा है ये 200D आई कैनन से बना रहा हूँ मैं, तो इसका वाइड लेंथ इतना नहीं है, क्योंकि जैसे कि अगर मैं हाथ से पकड़ूंगा इसको यहाँ से इतना तो ये फ्रेम आती है, यानी कि ये फ्रेम बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्लस ढंग से दिख एप्पल लोगो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, मगर बहुत सारे लोग समझते हैं कि एप्पल महंगा इसलिए क्योंकि लोगों की वजह से और शॉप वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, शॉप ऑफ कुछ नहीं वो करते हैं लोग, बहुत मैं मानता हूँ वो लोग शॉप करते हैं, जो भी करते हैं वो सब की अलग बात है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल शूट के लिए वगैरह आप सोशल मीडिया के यूज़ की पर्पज़ से अगर आप एप्पल ले रहे हो तो वो बेस्ट है, एप्पल ही लो, क्योंकि मैं एप्पल ही प्रीफर करूँगा सबको, क्योंकि एंड्रॉयड इतना सपोर्टिव नहीं होता, और एंड्रॉयड से होते भी है लेकिन एडिटिंग वगैरह इतनी स्मूथ, आप क्योंकि सबसे पहले व्यूअर्स को चाहिए होता है स्मूथ, यानी कि जितना ज़्यादा आप स्मूथ चीज़ दोगे उनको व्यूअर्स पर देखने में जितनी ज़्यादा आसानी मिलेगी और स्मूथनेस मिलेगी तो वो लोग पसंद करेंगे, और आप लाइक कमेंट सब कुछ मिले, सो एंड्रॉयड और गोप्रो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है और लाना भी है गोप्रो, लेकिन अभी गोप्रो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, और गोप्रो का बेस्ट चीज़ ये अगर होता है गोप्रो तो आप वाटर की यानी कि स्विमिंग की या पानी बारिश बारिश में गर्मी में कहीं पर भी आप रख के उसको शूट कर सकते हो वगैरह, मतलब कुछ भी रिस्क ले सकते हो। क्योंकि मैं कैमरे से शूट करता हूँ और कैमरे से शूट कभी कभार करता हूँ, वैसे तो नहीं रेगुलर, तो उसकी वजह से उसके पिक्सल्स भी हाई होते हैं तो वो स्टोरेज और उसकी फाइल्स जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो 8 से 10 GB रैम 10 GB मतलब स्टोरेज खा लेता है, तो ये भी इतना कैपेबल नहीं है, और वो सक्सेस है लेकिन उसमें 64 है वो ठीक ठाक, लेकिन उसका प्रोसेसर अभी बहुत ज़्यादा लो है उस वजह से बहुत ज़्यादा वो है डाउन हो जाता है, तो अपने भाई लोगों का है 11 है 12 है 13 है, लेकिन वो इतने इजीली मिलता नहीं है, और वो सारे काम की मतलब जब भी काम आते जब फ्री हो या फिर वो फ़ोन फ्री हो तभी मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, तो इतना वो नहीं है, अपना भी लेके आएंगे लाना है, क्योंकि स्टोरेज का मैं अभी सोच रहा था 13 का 1 TB वाला, लेकिन अपने इतना बजट नहीं है अभी फ़िलहाल, इतना बजट नहीं है, आउट ऑफ बजट है, तो धीरे धीरे अपन करेंगे, और सबसे पहले तो आप कोई भी परचेस करो तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज वाली चीज़ लो, यानी कि अगर आईफोन लो तो स्टोरेज वाला ही लेना, बैटरी का कोई इशू नहीं है, बैटरी बस एक बार चार्ज कर लेना, थोड़ा सा इशू फेस करोगे, एंड्रॉयड आप लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी स्टेबल वीडियोस नहीं बनती है स्टेबल सारी, यानी कि मूवमेंट में कर रहा हूँ कैमरा तो चलो पूरा फोकस कर लेता है, लेकिन एंड्रॉयड में आप इतना ज़्यादा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि एंड्रॉयड है, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ एंड्रॉयड वाले की, लेकिन डिफरेंस ज़रूर बता सकता हूँ, क्योंकि बेस्ट आईफोन ही है, क्योंकि यार पैसे देते हैं तो पैसे इस लोगों के नहीं देते हैं, लोगों के बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ये जो भी समझते हैं लोग कि लोगों के हम पैसे देते हैं, लोग एप्पल लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई बीच में आ जाता है तो पूरा वीडियो ही ख़राब हो जाता है, और उसकी साउंड और वगैरह पूरा वीडियो इंटरप्ट हो जाता है, इंटरप्ट जो भी आप समझे रोक बांधाई आ जाती है, सो अपन थे कौन से मेरे आईफोन 7 पे थे, तो इससे मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको शूट किया, लेकिन मैं हर बार स्टोरेज में ही फंसता हूँ, क्योंकि स्टोरेज आपको चाहिए चाहिए, क्योंकि आप ब्लॉग अगर शूट करते हो तो ब्लॉग पहले शूट कर लेना, यानी कि सारी क्लिप्स जितनी भी हो सकती है उतनी शूट कर लेना, उसके बाद जाके उसको एडिट करना, तो वो इतना कैपेबल
हो नहीं पाता, क्योंकि अगर कम स्टोरेज का है तो, और ये मेरा 32 GB का है तो भी, मतलब ये समझो कि मैं इसमें व्लॉग, एक व्लॉग भी अगर प्रॉपर व्लॉग अगर अच्छा सा शूट करता हूँ और उसको एडिट करता हूँ तो वो कम से कम अगर कैमरे शूट करता हूँ तो वो, अगर आप रिंग लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ऐसी जगह देख लो जो क्लियर आए और आपका वीडियो अच्छे से शूट हो सके। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो भी अच्छे से ब्लॉगर और वीडियो शूट करने के लिए। सो आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू एवरीवन।